जी अस्सलाम वालेकुम इवाज, मैं फारूक शाह मीडिया ट्रेडर्स की तरफ से। तो आज जो वो आपको जिस टॉपिक पर मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो है एक इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर के अंदर आपको इसके पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसके स्लॉट्स क्या होते हैं, टोटल इसका जो है वो किस तरह से वाइंड करते हैं वो आपको बताया जाएगा। आज बेसिक होगा लेकिन वाइंडिंग का मेथड नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर मशीन के तरीके कैसे वाइंड करते हैं वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं रूटर, और इसके ऊपर ये आप लाइन देख रहे हैं, ये सीधी नहीं है, बिल्कुल तिरछी है। इसको तिरछी बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है जो वाइब्रेशन या हंटिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाए। ये हिस्सा जो है इसका शाफ्ट कहलाता है। इस शाफ्ट के ऊपर ये बेयरिंग लगे होते हैं इस तरह से, ताकि ये इजीली अपने साइड कवर्स के अंदर या इसके कोर के अंदर इजीली घूम सके, और इसको बकायदा तौर पर इसके अंदर फिट किया जाता है। इसके साइड पर ये साइड कवर होते हैं दोनों साइडों पर, और ये बैरिंग इसको फ्री फॉल और इजीली घूमने के ऊपर जो है वो मजबूर करते हैं, ताकि ये इजीली इसके अंदर घूम सके। और ये कोर होती है इसको हमेशा सॉलिड आयरन का नहीं बनाया जाता, बल्कि ये जो इसे बनाया पथरी दार का बनाया जाता है, पथरी दार मटेरियल का, ताकि एडी करंट लॉसेस से जो है वो बचा जा सके। जब बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि वो भी कंडक्टर होती है, तो ये हमारे पास आयरन कोर भी जो है ये कंडक्टर है, तो इसे सेफ रखने के लिए अर्थिंग ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके लिए ये इंसुलेटेड पेपर इसके अंदर रखा जाता है। ये डिफरेंट नंबर साइज का होता है, 6, 7, 8, 9, 10, और ये प्लास्टिक का भी होता है, एपेक मटेरियल का भी होता है। जो इस वक्त हमारे पास है ये प्लास्टिक मटेरियल का है, और इसी तरह से ये जो हमारे पास मीटर है ये जिन चीज़ों के अंदर लगा होता है साइड कवर्स कहते हैं। ये वो साइड्स कवर है, इसके साथ ये लगा होता है और इसके अंदर ये एक होल बना हुआ है, इसके अंदर हम बैरिंग को लगाते हैं, ये बेरिंग इसके अंदर लगा हुआ है। और इसकी जब फिटिंग करते हैं तो फिटिंग के बाद ये मोटर ये इसके अंदर फिट किया जाती है ये मोटर, ताकि फिर रूटर इसके अंदर लगाते हैं, फिर सप्लाई दी जाती है ताकि ये इजीली वर्क किया जा सके। अब ये देखें इसके अंदर वाइंडिंग की गई है, वाइंडिंग हम कहाँ करते हैं, वाइंडिंग ये आप स्लॉट देख रहे हैं, इस स्लॉट्स के अंदर हम जो है वो वाइंडिंग को करते हैं। ये हमारे पास खाली कोर है और इस कोर के अंदर जो है वो वाइंडिंग की गई है, जो हम नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, उसमें मशीन के जरिए इसे वाइंड किया जा रहा होगा प्रॉपर। इसके जो है वो तरीकेकार के साथ इसे वाइंड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, और आने वाली नई वीडियो आप देखने के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।